नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को ग्वालियर जाएंगे। यहां वो सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। केरल के कोट्टयम जिले में हुई बस दुर्घटना में सबरीमाला मंदिर जा रहे 13 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस एरोमेली के पास कनामाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, राहुल गांधी और सोनिया बैठक में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल गाजा युद्ध में तत्काल मानवीय युद्ध विराम करने को लेकर आह्वान किया। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए 2 और सैनिकों की पहचान की है। इसके बाद मारे गए कुल इजरायली सैनिकों की संख्या 304 हो गई है। शेयर बाजार की चाल आज मिली जुली नजर आ रही है। सेंसेक्स और निफ्टी के शेयरों में तेजी का रुख बन रहा है। चीन के नंबर्स के आधार पर भारतीय सेंटिमेंट को मजबूती मिल सकती है। नवाज शरीफ के दामाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता कैप्टन सफदर ने भारत और इसराइल पर निशाना साधते हुए परमाणु बम की धमकी दी है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद सामना संपादकीय के जरिए विधानसभा स्पीकर पर हमला किया गया है। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में समलैंगिक तरीके से सरकार चल रही है। विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा अब सियासी तुल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री अनिल परब ने कहा कि पीठासीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि बाकी शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं के संदर्भ में किस घटनाक्रम को असंवैधानिक माना जाए। कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी कहे जाने के अपने बयान पर शशि थरूर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान आधिकारिक बयान नहीं था। नीदरलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर अंक तालिका का खेल पूरी तरह से बदल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। बीजेपी ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद ईरान सख्त हो गया है। सीरिया में ईरानी दूतावास ने ट्वीट किया है कि अब वक्त पूरा हुआ। ईरान ने कहा कि अब धैर्य टूट चुका है। इजराइल जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द हो गया है। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद दौरा रद्द किया गया है। बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन जाने वाले थे। सिक्किम में आई बाढ़ में अभी भी शव के मिलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 2 और शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद बाढ़ से मरने वालों की संख्या 40 हो गई, जबकि अभी 76 लोग लापता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। पार्टी ने शाह पर छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में 69वें नेशनल अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी कलाकारों को सम्मानित किया, जिसमें अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट, कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी समेत कई सारे कलाकारों को अवार्ड मिला है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।